हेलो एवरीवन, वेलकम टू माला की पाकशाला। आज माला की पाकशाला में बनने वाली है बहुत ही यूनिक रेसिपी। हाँ जी, आज मैं बनाने वाली हूँ मुगलई एग कोरमा, जो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, ये मैंने 5 उबले अंडे ले लिए हैं। अब अंडों में हम कट लगाएंगे, पूरा नीचे तक नहीं लगाना है, बस आधा तक हम इसे कट लगाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम सारे अंडों में कट लगा लेंगे। ये देखिए सारे अंडों में मैंने कट लगा लिए हैं। अब इसे रख देते हैं साइड और चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ। देखिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए तेल यहाँ गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस कटे हुए प्याज। इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें 4 हरा मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 बादाम। इसको अब हम चला लेंगे। अब जो गैस का फ्लेम है वो हमें मीडियम ही रखना है। देखिए यहाँ प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया है, बिल्कुल हमें इसे इसी स्टेज तक पकाना है। गैस कर देते हैं बंद और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ सेम पैन ले लीजिए, इसमें डालिए 1/2 टेबल स्पून तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच नमक। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे अंडे। अब लो फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर चारों तरफ से सेक लेंगे। देखें अंडे सब तरफ से कोट हो गए हैं, बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखें प्याज भी अब तक हमारा ठंडा हो गया है। कर लेते हैं इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कर लिया है देखिए मैंने प्याज को। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया, और बिना पानी डाले हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको रख देते हैं साइड, चलते हैं आगे की तरफ। ये मैंने गहरी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर। जितना मैंने बटर डाला है उतना है मैं तेल डाल रही हूँ, इससे डालने से जो बटर है वो जलेगा नहीं। इसको गर्म कर लेते हैं। इसमें डाल रही हूँ 1 दालचीनी और 2 से 3 लौंग। कुछ देर के लिए सौते कर लें। अब इसमें डाल देंगे हम अपना बनाया हुआ पेस्ट। अब जार में ही मैंने 1/2 कटोरी पानी डाला और वो मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसको पका लेंगे। मैंने इसे यहाँ करीब 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कटोरी दही। इसको भी हम करीब 2 मिनट तक पका लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे पकाएंगे। ये देखिए 2 मिनट बाद ये कितना अच्छा दिखने लगा है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी फ्रेश क्रीम, या फिर दूध के ऊपर जो मलाई जमती है आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच कसूरी मेथी जो मैंने तवे पे रोस्ट कर ली है। इन सबको अच्छे से पका लेते हैं करीब 2 मिनट तक, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। देखिए 2 मिनट बाद सब कुछ अच्छे से पक गया है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर निकल कर आया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए नमक बहुत ध्यान से डालिए। अब इसमें डाल देते हैं अंडे, बस 1 मिनट के लिए और हम इसे पका लेंगे। ये देखिए सब कुछ हमारा पककर एकदम तैयार है, कितना अच्छा लग रहा है अंडा देखिए। चलिए अब इसे कर लेते हैं सर्व। देखिए मैंने कोरमा सर्व कर लिया है, कितना अच्छा लग रहा है। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी रिच और थिक दिख रही है। इसे करिए हरे धनिए से सर्व। लीजिए हमारा एग कोरमा बनकर तैयार है, इसे एंजॉय करिए लच्छा पराठा के साथ।
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी बनाई हुई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।